हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। जैसे आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, जो कि आज उनको मैंने कार हैंड ओवर कर दी और वो खुद ड्राइव कर रही हैं, जो कि मैं आज उनको बता रहा हूँ कि स्टेयरिंग को किस साइड टर्न करने से कार किस साइड जाती है और क्लच पर कैसे कार को कंट्रोल कर सकते हैं, हाफ क्लच पर कार को कैसे रोक सकते हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं क्या सिचुएशन है उनकी। काफ़ी डरी हुई हैं बट काफ़ी अच्छा चला रही हैं, क्योंकि आज देश कौन सा है, उनको कॉन्फिडेंस क्या है, वो बात कर लेते हैं मैडम से कि क्या सिचुएशन है। घबरा रही हैं, एकदम डर रही हैं। बंद कर लीजिए गाड़ी, इंजन बंद कर लीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, कौन सा डे आज? सिक्स्थ डे। कैसा फील हो रहा है आज? हार्ट बीट बढ़ रही है? डरिए नहीं, बट अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है। मैं इसलिए गाड़ी आपको मैंने हैंड ओवर कर दी है क्योंकि आज थोड़ा समय था, तो मैं आप गाड़ी रोक, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर आप अपने घर से कार को निकालेंगी पोर्चे से, तो सबसे पहले कौन सा गियर डालेंगी? फर्स्ट गियर। अगर बैक करना होगा तो कौन सा गियर डालेंगी? बैक गियर। तो वहाँ पे स्पीड की ज़रूरत है या स्लो मोशन में? तो जो अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये ट्रैफिक में जब गाड़ी हम चलाते हैं, चावल चावल जिसे कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना हाफ क्लच पे बिना एक्सीलेटर, वहाँ पे हाफ क्लच और थोड़ा ब्रेक लेना है। तो अभी आप कितनी देर से अकेले चला रही हैं? 10 से 15 मिनट हो गए, ठीक है। अभी कैसा, थोड़ा बहुत डर निकला या अभी भी घबरा रही हैं? नहीं, थोड़ा सा है ना डर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छा कर रही हैं, थोड़ा नर्वस हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करिए, मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस साइड स्टीयरिंग टर्न करने से कार हमारी किस साइड जाती है, ठीक है। और ये जो रोक रोक कर आप बढ़ा रहे हैं ना, इससे क्या है ना, आपको क्लच का अंदाज़ा हो जाएगा हाफ क्लच किसको कहते हैं, क्योंकि जब तक क्लच आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आइडिया नहीं लगता। अभी इंजन ऑन कर लीजिए, अभी थोड़ा सा आपको सीधा सीधा चलाना है, उसी गार्ड रूम के पास लेके जाना, फिर मैं बताऊँगा। इंजन ऑन करिए, हाँ एक बार इंजन ऑफ करिए, बताता हूँ। आप गलत स्टार्ट करती, पहले हाफ स्विच काटना होता है, पहले आधी चाबी घुमाओ, बस आप दोबारा से घुमाओ एक बार। अब इग्निशन ऑन ऑन करके तब आप तुरंत मार देते हो, देखो ऐसे होता है। इधर देखो, ये मैंने ऑफ कर दिया, ये पहले ये हाफ स्विच, ठीक है, फिर ये इग्निशन ऑन किया, फिर आप स्टार्ट करते हैं। आप उसको एकदम से खींच देते हो ना, तो ऐसे स्विच ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी जाओ, गियर डालो फर्स्ट। हो गया, फर्स्ट गियर लगा पक्का। चलो धीरे धीरे वही हाफ क्लच पे, एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है, बिना एक्सीलेटर गाड़ी जाएगी धीरे धीरे, और बस आपको उतना क्लच छोड़ना जितने में गाड़ी आपकी रेंगे ना कि चले, बस वापस क्लच दबा लो, गुड। ये इंजन साउंड भी ना करे, फिर बढ़ा लो, बस ऐसे। ये सिर्फ क्लच से गाड़ी रुक रही है, ना ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप, ठीक है, खाली क्लच से रुक रही, जैसे अभी ब्रेक मत लेना, अभी क्लच को छोड़ो, जब गाड़ी थोड़ी बढ़ने लगे वापस क्लच दबा लो, क्योंकि जब गाड़ी पूरी तरीके से गियर में एक्टिव नहीं होती और हम क्लच दबा लेते हैं तो गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है, क्योंकि गियर इंजन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जाने दो धीरे धीरे, अभी कंटिन्यू जाने दो, रोकना नहीं, वहाँ गार्ड रूम के पास रोकना है। चलो वाइट वाली लाइन पर ले जाओ लेफ्ट वाला टायर, हाँ प्रॉपर ले जाओ वाइट वाली लाइन पर, हाँ स्टॉप करो, स्टॉप, बस। अब दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये है मेन डोर, ये यहाँ से इनको मैम को मैं टर्न कराऊंगा। अभी लेफ्ट काट लो पूरी स्टीयरिंग, फुल न्यूट्रल करो गाड़ी, लेफ्ट काटना है मेरी तरफ, स्टीयरिंग पूरी घुमा दो मेरी तरफ लेफ्ट, फुल 90 डिग्री से, फुल घूम गई, ब्रेक दबा के रखो, आगे ढलान है, ब्रेक दबा के रखो, फुल कट गई। अब ये टायर आपका पूरा लेफ्ट टर्न कर गया, अभी बैक गियर डालो तो गाड़ी आपकी इधर जाएगी, देखिए इधर अंदर गेट के अंदर, पूरा राइट दबा के बैक गियर डालो फुल, चारों इंडिकेटर जले। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, इस मिरर को चेक करना लेफ्ट वाले को, ना कि राइट वाले को। अभी धीरे धीरे जैसे क्लच छोड़ोगी ना, वैसे गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी, पूरी काट के रखो स्टीयरिंग, ज़रा सा स्टीयरिंग लूज़ नहीं करना है। चलो जाने दो धीरे धीरे, हाँ क्लच छोड़ो धीरे धीरे, पहले थोड़ा क्लच छोड़ने के बाद ब्रेक छोड़ो, गाड़ी ढलान पे ना तो आगे जा रही है, पहले जब गाड़ी वाइब्रेट करने लगे ना फिर ब्रेक से पैर हटा लेना, पैर ब्रेक पे रखना बट उसको रिलीज़ नहीं करना, जो ब्रेक आपने दबाया है ना उसको छोड़ना है सिर्फ, ठीक है। चलो जाओ, अब ब्रेक छोड़ो धीरे धीरे धीरे, हाँ ब्रेक छोड़ो, जाओ जाओ धीरे धीरे, गुड। इधर देखो इस मिरर को, हाँ जाने दो, घबराओ मत, चलो धीरे धीरे जाओ, गुड गुड, वेरी गुड, चलो चलो चलो, जाने दो, हाँ जाने दो, जाओ जाओ, चलो 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 चलो, जाओ जाओ, गुड गुड, वेरी गुड, जाने दो, हाँ गुड, और जाने दो,
अभी स्टेयरिंग सीधा कर लो और सीधा करो, चलते चलते और सीधा करो और बस स्टॉप, पूरा क्लच और ब्रेक। अभी एक बार सीधा और जाओ पीछे थोड़ा, एकदम सीधा सीधा चलो, एक्सेलेटर से पैर हटा लो, हाँ जाओ सीधा, नज़र पीछे रखो, चलो जाओ जाओ गेट के अंदर ले जाना है, क्लच छोड़ो, जाने दो, धीरे 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 जाओ, झटके छोड़ दिया कोई बात नहीं, वापस क्लच दबा के इंजन ऑन कर लो, ब्रेक दबाओ, हाँ इंजन ऑन करो फटाफट, बस चलो थोड़ा सा पीछे जाओ, हल्का सा जाओ, छोड़ो क्लच, नज़र मैम पीछे रहेगी आपकी, चलो जाओ, घबराओ मत, डरो मत, इस गेट के अंदर लेके जाना है आपको, आप क्लच ज़्यादा छोड़ दे रही हैं जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो जा रही, हाँ अभी ब्रेक दबा के इंजन ऑन करो क्योंकि ढलान है ना, आगे चली जाएगी, अभी क्लच पहले हाफ क्लच छोड़ने के बाद ब्रेक छोड़ो, हाफ क्लच को रिलीज करने के बाद जाओ, अब ब्रेक छोड़ दो और हल्का एक्सेलेटर ले लो, हल्का सा रेस ले लो, हल्का सा, हाँ जाओ धीरे धीरे जाओ, क्लच के साथ क्योंकि पीछे ओट लगा है ना इसलिए बंद हो जा रही गाड़ी, पीछे पत्थर है, आप नर्वस मत हो, अच्छा चलो एक काम करो, वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, ब्रेक लगाओ, अब राइट काट के राइट पहला गियर करके निकाल लो, स्टार्ट करो, बस अब इसको पहले गियर में घबराओ मत आप, पहला गियर, अब राइट टर्न कर लो स्टीयरिंग, हाँ जाओ चलो, सिग्नल दिया राइट का आपने, चलो धीरे धीरे जाओ राइट, ब्रेक छोड़ दो, धीरे धीरे हाफ क्लच पे चलो, खिसकाओ जाओ जाओ जाओ, डरो मत, धीरे धीरे चलो चलो, हल्का हल्का जाने दो, आप क्लच झटके से छोड़ दे रही है मैम, वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, गाड़ी आपकी गड्ढे में बैठी ना, पिछला टायर गड्ढे में फंसा हुआ है, चलो जाने दो, एड़ी मत उठाइए, सिर्फ टो लेके आइए, आप पैर की एड़ी भी उठा रही है, एड़ी नहीं उठाना है, हल्का रेस ले लो, हल्का सा, हाँ आप दोनों चीज़ को मैच नहीं कर रही है ना, क्लच को उतना छोड़ो जितना ज़रूरत है, जब आप क्लच छोड़ रही हैं तो आप एक्सेलेटर नहीं ले रही, जब आप एक्सेलेटर ले रही हैं तो क्लच नहीं छोड़ रही हैं, तो मैचिंग कहाँ से होगा, वापस स्टार्ट करो, घबराइए मत, एक बार बंद होगी दोबारा स्टार्ट करो, फिर कैसे चलाएंगी आप बताइए, अगर यही सिचुएशन रहेगी तो रोड पे कैसे गाड़ी लेके निकल पाएंगी, हल्का सा रेस ले लो, हाफ क्लच रिलीज करने के बाद रेस लिया जाता है, नीचे मत देखो रोड पर देखो वरना बैठा लोगे किसी को बोनट पे, हल्का एक्सीलेटर लेकर रखो, पहले एक्सीलेटर लो थोड़ा सा, हाँ अब जाओ धीरे धीरे, बस ब्रेक पे पैर ले आओ, दबाना नहीं है, गुड, अब रोको गाड़ी, रोको जरा, अब इधर जरा नज़र डालो, देखो कितना बड़ा गड्ढा था, आपका टायर पूरा गड्ढे में बैठा था, है देख रहे पत्थर बीच में गड्ढा, इसी वजह से पीछे भी नहीं जा रही थी और आगे भी नहीं जा रही थी, अभी सीधी ले जाओ, चलो अभी गाड़ी बढ़ाओ तभी तो पता चलेगा स्टीयरिंग कहाँ है, खड़ी गाड़ी पे नहीं पता चलता, अभी एक राउंड पूरा राइट कटी हुई स्टीयरिंग है आपकी, आपको लग रहा है स्टीयरिंग सीधा है ना, लेकिन एक राउंड पूरा राइट कटा है, देखो टायर बाहर निकला है, अब जब चलाओगी तब पता चलेगा, निकालो आगे जाओ, धीरे धीरे ब्रेक को रिलीज करो, बढ़ाओ धीरे धीरे, डरना नहीं क्योंकि कल को दो दिन चार दिन बाद आपको अकेले तो चलाना, अब सीधा हुआ है पहिया, जाओ स्ट्रेट जाओ एकदम, चलो गुड, राइट दबाओ, राइट वाइट वाली लाइन पे राइट वाला टायर लेके आओ, वाइट वाली लाइन और दबाओ, राइट और दबाओ थोड़ा सा और स्टॉप, अब पूरी लेफ्ट काट दो, फुल स्टीयरिंग लेफ्ट काटो, 90 डिग्री से पूरी स्टीयरिंग फुल काटो, फुल कट गई फुल, और इस वाले मिरर को चेक करो, चलो एक ही बार में गाड़ी घुमा देनी है पूरी, जाओ ब्रेक को पूरा छोड़ दो, पैर ब्रेक पे रहेगा बट दबेगा नहीं, और क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, चलो जी हाँ धीरे धीरे गुड, जब टायर का एक राउंड पूरा हो जाए फिर पूरा क्लच आप छोड़ सकते हो, गुड चलो फुल कटी रहने दो, निकल जाएगी डरो मत, आप जाने तो देंगे मैडम, हाँ चलो कटी रहने दो, फुल निकल गई, चलो जाओ जाओ जाओ, गुड वेरी गुड, चलो गुड, अभी सीधी कर लो स्टीयरिंग, चलो
सीधी करो, चलो चलो रोकना नहीं है, बढ़ाओ हल्का सा रेस लेके बढ़ाओ, जाओ। अभी क्या था ना, आप थोड़ा डर रही थी, जो ये आपकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, आपके चेहरे से आप मुस्कुरा जरूर रही लेकिन आपकी हालत आप खराब हो रही थी। नहीं नहीं तो देखिए अभी पीछे बैठे हैं, हो जाएगा तो उनको तो और ज़्यादा डर, उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है, और होगा किसी को कुछ नहीं, क्योंकि मैंने गाड़ी तभी आपको दी क्योंकि मैं 4-5 दिन आपको सिखा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इतना तो आप संभाल लोगे, क्योंकि मैं आपसे दौड़वा नहीं रहा था ना गाड़ी, गाड़ी को रोक रोक कर, क्योंकि जब आप अकेले गाड़ी निकालोगे तो ये चीज़ आना ज़रूरी है, बगैर इसके गाड़ी आप नहीं निकाल सकती हैं। हमको पता तो हो कि हम किधर जाना चाह रहे हैं और किधर स्टीयरिंग टर्न कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ तो हमको मालूम हो। हमको यही नहीं पता कि हम कहाँ जाना चाह रहे, जाना है लेफ्ट, स्टीयरिंग काट दिया राइट, तो उससे क्या होगा, गाड़ी अपोजिट साइड चली जाएगी। अभी स्पीड बढ़ाओ, चलो रेस करो, एक्सेलेटर पुश करो 20 अब जाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर, फटाफट जल्दी से चेंज करो, हाँ वेरी गुड, छोड़ो फटाफट। चलो अभी जब राइट वाला पैर क्या आया था ब्रेक पे आपका, नहीं आया था, चलो इस वाइट लाइन से इधर रखो लेफ्ट साइड, जाने दो धीरे धीरे, स्पीड बढ़ा लो, घबराइए नहीं। होता है क्या है ना कि जो ये छोटी छोटी बारीकियाँ टिप्स हैं जी, अगर हम गाड़ी में बैठे रहते हैं ना तो कई बार ये रहता है कि अगर आपसे गाड़ी बंद हो रही तो फिर मैं क्लच ब्रेक पे पैर रख लूँगा, और जब मैं रहूँगा नहीं गाड़ी में तो 100% आप चाहे 10 बार बंद होगी तो 10 बार ही आपको ही इसको स्टार्ट करना है, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी ही है, बगैर उसके हम कार को ड्राइव नहीं कर सकते। सिर्फ मन को झूठी तसल्ली देने वाली बात नहीं है कि हाँ हम बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन आना भी चाहिए वो चीज़। 5-6 डेज में अच्छा आपने पिकअप किया है चीज़ों को, और बेटर भी हो सकता है। ये ब्लैंट है ना, यहाँ पे एक बार हॉर्न दे के अलर्ट कर देना है ताकि सामने से दाएं बाएं से जो आए वो थोड़ा अलर्ट हो जाए। बढ़ा लो स्पीड, जाने दो, हल्का राइट रखो, गुड वेरी गुड, जैसे अभी डिपर दिया राइट दबाओ, थोड़ा राइट बोला है मैंने, राइट राइट। अब देखो आप कंफ्यूज हो गई यहाँ पे, हुई नहीं हुई, मैंने आपसे कहा राइट आपने दबा दिया लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट में जो कार खड़ी है उठ के कहीं जा सकती है, बताइए, अपने आप ऑटोमेटिक चल सकती है, नहीं ना। तो सामने वाला जो आपको देख रहा है वो तो पहला गियर करो, पहला गियर, क्योंकि इसमें आप अगर चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको 15 दिन या 45 दिन लग जाएंगे अकेले कॉन्फिडेंस लाने में, और जब तक चीज़ों को आप, जैसे मैंने 2-3 बार बोला आपको राइट 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 राइट, क्योंकि ये जो कार खड़ी है कहीं उठ के नहीं जा सकती है, लेकिन जो सामने वाला आ रहा है वो आपको नोटिस कर रहा है ना, तो वो नोटिस कर रहा है, तो जब आप राइट दबाओगे तो वो, जब आप खुद ही गाड़ी अपनी लेफ्ट दबा रहे हो तो वो तो चौड़ा होकर रोड पर निकलेगा ही, कोई भी गाड़ी रोड से नीचे उतारना नहीं चाहता है, वो हमेशा बीच में चलना चाहता है। कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, 50 मीटर 100 मीटर पहले आप उसको एक बार डिपर दे दो, और जब डिपर दे दोगे तो उसके बाद वो अलर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी गाड़ी दबा लो, जिधर भी दबाना है यहीं से ले लेना अंदर, लेफ्ट दबा के, गार्ड है नहीं है, हॉर्न बजाइए ज़रा, हॉर्न बजाओ, हॉर्न 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 बजाओ, काटो राइट, काटो जाओ, पूरा, हाँ पूरे काटोगे तभी तो गाड़ी जाएगी। चलो जाओ बढ़ाओ, रेस करो हल्का सा एक्सेलेटर लेके, चलो जाओ रेस लो। और आप ना अंशिका जी डरती बहुत हैं, बहुत ज़्यादा आप डर, पैनिक बहुत हो रही हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डरेंगी उतना ज़्यादा आपको वक्त लगेगा। चलो भाई चलो, आ रहे आ रहे आ रहे भैया, आ रहे आ रहे चलो बढ़ाओ सीधी करो, सीधी करो बस, और सीधी करो, और अब क्यों क्लच दबा रही हैं आप, बताइए क्या रीज़न है क्लच दबाने का, है कोई रीज़न? चलो बढ़ाओ, सीधी हो गई, हाँ हो गई, चलो खड़ी गाड़ी पे क्लच दबाने का कोई मतलब ही नहीं, जब आपको धीरे रेस करो, राइट काटो, इधर काट दिया आपने अपोजिट साइड, काटो अपने ना, और काटो राइट, हाँ चलो बढ़ाओ, जाओ जाओ निकालो, क्यों नहीं एक्सेलेटर ले रही हैं आप, राइट काटो स्टीयरिंग थोड़ा सा, और काटो वहाँ देखो ड्यूर, राइट काटो, और काटो राइट, और थोड़ा सा, अभी स्टीयरिंग ही नहीं घुमा रही हैं। चलो कोई नहीं, ये गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, सीधा जाना स्ट्रेट, हॉर्न बजाइए इनको।